बैठो जी। बताओ जी, जो मनु बताया था। मैंने आपका केस स्टडी कर लिया है। आपके बच्चे का एडमिशन एक ही केस में हो सकता है कि बच्चे के फादर बाहर सेटल्ड हैं। सीधी सीधी बात यो है, कहता मैं तो कनेडा मां ट्रांसपोर्ट का कम करा बस। पर भाई मैं तो नहीं झूठ बोला होना किसी ने। झूठ ता बोलूंगा जी, उन्हों के मुहरे जाऊंगा। तौं तां बैठा कनेडा में ट्राले के स्टेयरिंग पा, बाकी भाभी संभाल लूंगी सारा काम। नाले लगा भी तेरे से वध पड़ी लिखी। मैं देख लूंगी। पर मनजीत, मेरा गलत काम करनो मान जा नहीं मान रहा। कोई गल नहीं, जे इन्ना कहने नाल अपने बच्चे नु दाखला मिलता है तां कोई हर्ज नहीं। भैन जी, जे कल नु किते फड़े फुड़े गए तां दादे नु तां नहीं ना अंदर करनगे। कुछ नहीं होण लग्या पापा जी। मैडम जी, तुसी कराओ तैयारी। श्योर, बस ठीक है। किचो तैयारियां? My father lives in Canada. He Aman, is transport. You have your interview in next 15 minutes. Where is his father? इसके पापा कहाँ हैं? ओ तो कनेडा ने ट्रांसपोर्टर आना। कनेडा? ये फिर साइन किसने किए? ये तो कल आए भी थे। हाँ जी, आज भी आऊंगे जी। इना के जद्दी पिंड का नाम है जी कनेडा। आ खरड़ के लाग पास ही पावा। बस आने वाली है जी। बस आने वाली है जी। बस आगे जी 10 मिनट आ गए। जल्दी बुला लो, इंटरव्यू में मदर फादर दोनों का होना जरूरी है जी। आ करो जी, एनआरआई साहब को गद्दे ने फोन करो। लगदा हो गया दाखला। हेलो। हाँ जी, तुसी कित्थे हो जी? मैं ता करी हां। तुसी छेती स्कूल आ जाओ। इन्हां नूं पता लग गया कि अमन दे डैडी इत्थे ही ने। बस छेती आ जाओ। अजे कल तक कहंदे सी मैं कनेडा गया होया, अज हुण मैं डिपोर्ट भी हो गया उत्थों। बस आई समझ लो, छेती आ जाओ। पहले ही कहा सी मैं ना करवा गलत काम। आ गया, चल मैं। मेरी गल सुन, हुण मैं तेरा डैडी हां ते मैं इत्थे ही हां, ठीक है? पक्का याद कर ला।